आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से, जहां चिरई गांव ब्लॉक अंतर्गत ये गांव सभा है छाही। और ये गांव सभा का ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है और इस समय इस उपकेंद्र पे तैनात हैं श्रीमती रीना राय। रीता राय का मोबाइल नंबर है 93695843। इस उपकेंद्र के अंतर्गत तीन गांव आते हैं। एक गांव का नाम है सुल्तानपुर, दूसरी गांव सभा है छाही और एक है फरीदपुर। लगभग इस उपकेंद्र के अंतर्गत कम से कम 4000 लोगों की इलाज की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ की जनसंख्या है। और उसी जनसंख्या में महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। लेकिन इस उपकेंद्र को इस समय घड़ी में लगभग 1:30 बजने को होंगे और इस समय आप देख सकते हैं कि इस उपकेंद्र पे ताला लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब सरकार ने इतना बड़ा भवन बना के दिया है और यहाँ पे एनएम को 24 घंटे रहना है, रेजिडेंशियल आवास मिला हुआ है और यहाँ की एनएम घर से एनएम सेंटर को संचालित करती हैं। अब बात करें यहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी की, तो खंड चिकित्सा अधिकारी कभी अपनी ऑफिस से बाहर भ्रमण पे निकलते हैं, निरीक्षण करते हैं कि मेरा कौन सा केंद्र चल रहा है अथवा वह केंद्र बंद है। सरकार से हर महीने दवाएं मिलती हैं, हर महीने उनको वेतन मिलता है, लेकिन क्या इसका लाभ ग्रामीणों को मिलता है? और अगर नहीं मिलता है तो क्यों जिम्मेदार अफसर क्यों आंखें बंद किए हुए हैं? अभी सीएमओ साहब के एक्टिविटी से झोला छाप डॉक्टर और तमाम नर्सिंग होमों पर ताला लगा हुआ है और ठीक उसी के अपोजिट उनके खुद के एनएम सेंटरों पे, स्वास्थ्य केंद्रों पे जो दोहरी प्रणाली, दोहरी नीति अपनाई जा रही है कि प्राइवेट के ऊपर तो ये हावी होते जा रहे हैं किंतु इनके सरकारी अफसरान, इनके जो है डॉक्टर, इनकी एनएम, इनकी नर्सेज ये कब जागृत होंगी, इनकी तंद्रा कब टूटेगी और यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ की महिलाओं को स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे? अगर ये कमियाँ हैं तो इसको दुरुस्त होना चाहिए और कहीं न कहीं इन कमियों का खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आगे इस सेंटर पे कंटिन्यू एनएम रहती हैं अथवा नहीं रहती हैं। अगर कंटिन्यू एनएम नहीं होती हैं तो कहीं न कहीं इनके ऊपर ऊपर के अधिकारियों का, चिकित्सा अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त नजर आएगा। कैमरामैन पुनीत त्रिपाठी के साथ आलोक कुमार चौबे, जी न्यूज 7।